हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दिवाली के दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और मैं थोड़ी बहुत तैयारियाँ करने लगी हूँ। मुझे बनाना है खीर, तो इसके लिए दूध पकाने रख दिया है मैंने, और दिए भी लगाने हैं। तो दिए इस तरह से भिगो करके रख देती हूँ मैं, इससे ये है ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं अब्सॉर्ब करते हैं, ज़्यादा देर तक चलते हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने एक दिन पहले की थी। जितने भी मेरे पास आर्टिफिशियल गार्लैंड्स थे गेंदे के, वो मैंने एक दिन पहले ही सजा दिए थे। पर फ्रेश फ्लावर्स हम लोग आज सुबह ही लाए थे, क्योंकि मैं ना थोड़े ज़्यादा लाई थी। जब मैं कम फ्लावर्स लाती हूँ तो उनको पहले भी लाकर फ्रिज में रखा जा सकता है, बट इतने सारे मैं फ्रिज में नहीं रख सकती थी, इतनी जगह ही नहीं थी वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग आज सुबह ही जाकर ले आए थे। और मैं यहाँ पे मेरा उर्ली डेकोरेट कर रही हूँ। पहली बार मैं लाइफ में उर्ली, जो प्रॉपर उर्ली होती है, वो सजा रही हूँ। अदरवाइज़ जो बड़े बोल वगैरह रहते हैं उन्हीं को उर्ली बना देती हूँ। तो उर्ली के अराउंड जो फ्लावर्स हैं ना, वो मैंने पहले एक तरह से लगाया, वो माला छोटी पड़ गई। फिर दूसरी तरह से लगाया, वो माला में फिनीज नहीं आ रही थी। फिर मैं जहाँ तहाँ भी और सजावट कर रही थी, तो मेरे हाथ में ना एक लंबी वाली माला लग गई। दिखाती हूँ आपको, यहाँ हस्बैंड जो है वो हमारा जो मुख्य द्वार है उसे सजा रहे हैं। ये लंबी वाला हार मेरे हाथ लग गया, तो इससे फिर मैंने उर्ली के चारों तरफ एक सर्कल जैसा बना दिया। दो तीन राउंड आ गए थे और ये फिर अभी बहुत अच्छा लगने लगा। और बस ये लास्ट मिनट वाले डेकोरेशन हो रही है, थोड़ा सा टाइम है अभी हाथ में, तो थोड़ा सा सजा रहे हैं हस्बैंड और मैं मिलकर घर को। बच्चे लोग हेल्प करा रहे हैं। इसके बाद तो फिर मैं सीधे खाना बनाने लगूंगी और फिर पूजा की तैयारियां करेंगे। और मुझे है ना, ये जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना, इनसे की हुई डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। बट इसका है ना एक साइड इफ़ेक्ट है। अभी आप मुझे है ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपके दिमाग में क्या आया जब मैंने ये बोला। मैं बता देती हूँ, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके अंदर है ना कैटरपिलर निकलते हैं, फिर वो जहाँ तहाँ गंदगी कर देते हैं, निकल के फर्श पर घूमने लगते हैं। तो उस एक चीज़ से मुझे डर लगता है, कहीं कोई कैटरपिलर पैर के नीचे ना आ जाए। और फिर वो क्योंकि फूलों के अंदर ही ड्वेल होते हैं, तो वो गंदगी भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ना लिमिट रखती हूँ जो फ्रेश फ्लावर का यूज़ है। बट त्यौहार के दिन कोई कमी नहीं। चलिए, सारा घर सज गया, फटाफट से आपको एक होम टूर दे देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ने लगा दिए हैं ये फ्रेश वाले हार, जो आर्टिफिशियल हैं वो मैं कल ही लगा चुकी थी। और ऐसा लग रहा है हमारा मुख्य द्वार अभी अंदर कैसा सजाया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरा एक छोटा सा कोजी सा 2 BHK अपार्टमेंट है, इसमें कोई फॉयर नहीं है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो तुरंत ही हम लोग लिविंग रूम में लैंड होते हैं। एक 360 व्यू मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रूम का टूर दूंगी। तो ये है हमारा मुख्य द्वार, मेन गेट। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो, छोटा सा होम टंग रहा है, एक छोटे बच्चे ने बना कर दिया था हमें। वो बेच रहा था सड़क पे और शर्मा जी उसको हेल्प करना चाहते थे, तो ये फिर उससे बनवा लिया था, एंड ही पेड एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है सोफ़ा एल शेप वाला। और ये जो आप वॉल डेकोर देख रहे हो, ये उन कुछ एक चीज़ों में से है जो हमने इस घर में सबसे पहली खरीदी थी इस घर को सजाने के लिए। अभी थोड़ा सा डल हो गया है इसका कलर। ये सोफ़ा भी इसी घर में ख़रीदा था, बट काफ़ी बाद में। पहले मेरे पास एक 3+1+1 सोफ़ा था। और यहाँ मेरा उर्ली का डेकोरेशन। और रूम के इस तरफ एक स्लाइडर विंडो है जो डोर लेंथ की है, और इसके पीछे है बालकनी, ये भी मैंने डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे फ्लावर्स भी और लाइट्स भी। इधर एक विंड शाइम लगाया हुआ मैंने, जो मैंने ख़रीदा था आर्चीज से काफ़ी पहले। आपको बालकनी भी दिखा देती हूँ, एक छोटी सी बालकनी है, स्टैंडिंग बालकनी से
बस ज़रा ही ये बड़ी है, और इसमें ये जो ग्रिल वगैरह है ये भी हम लोगों ने अभी कुछ वक्त पहले ही लगवाए थे। और यहाँ पर भी लाइट वगैरह हो गया, जो मैं आपको रात को दिखाऊंगी। सबके तौलिए सूखे हुए हैं क्योंकि स्नान किया था, तो सबके तौलिए गीले हो गए थे, वो मैंने धूप में डाल दिए हैं, शाम तक ये सूख जाएंगे। और ऐसा दिख रहा है ये कॉर्नर ऑफ द हाउस। उसके बाद इधर मूव करते हैं, यहाँ पर मैंने जो दीवार है इस पर लगा रखा है ये मैक्रमे वॉल हैंगिंग, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम प्लानिंग टू बाय मोर। और इसके बिल्कुल साइड में मैंने फिर से पर्दे लगाए हुए हैं, और ये बेसिकली मेरी किचन की एंट्री है। किचन सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, वो जो पैसेज है उसी में थोड़ा सा किचन जैसा बना दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर है हमारे गणपति जी। ये भी इस घर में जो हमने सबसे पहले चीज़ें लगाई थी उसमें से एक ये वॉल फ्रेम भी है। देन हमारे छोटू लाल, हमारे कन्हैया, और उसके बाद थोड़ा और डेकोर। और इस कॉर्नर में पहले मेरे पास एक डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, वो लगा रखा था मैंने, बट उसके बाद थोड़ा ये टीवी यूनिट और स्टोरेज, सबसे बड़ी बात है स्टोरेज का थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि मेरा घर थोड़ा छोटा है, तो स्टोरेज बनवाने के चक्कर में फिर वो डाइनिंग टेबल यहाँ से हट गया। एंड फ्रॉम दैट वेरी सेम डे मैं मेरे डाइनिंग टेबल को हर रोज़ मिस करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा और डेकोरेशन कर लिया है, और ये दिए वगैरह मैं शाम में लिट करूँगी। और पूरा ही घर मैंने मेजरली आर्टिफिशियल गार्लैंड से डेकोरेट कर रखा है, कहीं कहीं पे फ्रेश फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। तो ये तो हो गया इस रूम का टूर और दिवाली का डेकोरेशन। चलिए इसके बाद इस पर्दे से अंदर जाते हैं, तो आता है मेरा किचन। सबसे पहले मैं आपको किचन का एक 360 टूर दे देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये ठीक से दिखाऊंगी। जब मैंने पहला मेरा किचन टूर आपके साथ शेयर किया था, उस वक्त से अभी तक इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पहले ये फर्नीचर वगैरह यहाँ नहीं था, वो मैं अभी आपको एक एक करके बताती हूँ। तो जैसे ही एंट्री लेते हैं, यहाँ पर ये एक प्लैंक लगाया है मैंने, ये लगवाया है क्योंकि थोड़े बहुत अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो हर रोज़ ही इस्तेमाल होते हैं, उन्हें रखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। किचन में मेरे पास प्लेटफॉर्म एरिया काफ़ी कम है। तो यह मेरा कोल्ड जूसर फ्रॉम कुविंग्स, ये मैंने खुद को ही गिफ्ट दिया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। हर रोज़ ही मैं ऑलमोस्ट इसका इस्तेमाल करती हूँ। देन इधर रखा हुआ मैंने मेरा फूड प्रोसेसर विच इज़ फ्रॉम मॉफी रिचर्ड्स, और कुछ एक चीज़ें जो यहाँ पर आती जाती रहती हैं। एक इलेक्ट्रिक केटल रखा हुआ है, ये डब्बे मैं यहाँ से अभी हटा दूँगी, और जैसे मौसम बदल जाएगा तो यहाँ पर फिर कर्ड मेकर, एक बॉयलर वगैरह भी आ जाएंगे। तो कुछ एक चीज़ें परमानेंट है, कुछ एक चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ पर पहला दरवाज़ा बच्चों के रूम का है, दूसरा हमारे रूम का, और तीसरा कॉमन बाथरूम। यहाँ ये एक और वॉल डेकोर पीस मैंने लगा रखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये एक बहुत छोटी सी किचन है, बट मेरा इसमें काम चल जाता है। मन तो करता है कि थोड़ा और स्पेस हो, किसे नहीं अच्छा लगता है, बड़ा है तो बेहतर है, लेकिन मेरा इसमें काम हो जाता है। यहाँ पे वाटर प्योरीफायर लगा रखा है, बिकॉज़ हमारे यहाँ पानी बहुत ही हार्ड आता है, उसको ऐसे नहीं पी सकते हैं। और ये ऊपर का पूरा फर्नीचर मैंने 2-3 साल हो गए अभी इसको करवाया था, वही स्टोरेज के पर्पज़ के लिए। और यहाँ पर मैंने ये अलमारी भी बनवा दी है, ये बेसिकली फ्रिज के लिए स्पेस है, बट मेरा फ्रिज इसमें नहीं आता है। ये थोड़ा छोटा सा एरिया है, कभी से भी मेरा फ्रिज इसमें नहीं आता है। पहले जो मैं लेकर आई थी इस घर में वो भी कभी नहीं आया, फिर मैंने अपग्रेड किया तो वो नहीं आया है। इसके बाद ये शाम की पूजा की तैयारी के लिए कुछ एक चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। मैं एक बार ये होम टूर आपको दे दूँ तो उसके बाद फिर मैं शाम के लिए जो मेरे को पूजा के लिए भोग बनाना है एंड थाली बनानी है। तो ये तो हो गया मेरी छोटी सी किचन का एक किचन टूर। और यहाँ पर वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ें हैं मेरा ये अरोमा डिफ्यूज़र, मैं इसे शाम में लिट कर देती हूँ और इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है, मूड अच्छा हो जाता है मेरा। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा किचन जो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट कर सके ऐसा बना लिया है। किचन से बच्चों के रूम का दरवाज़ा जाता है, तो ये है मेरे बच्चों का रूम। और इसका पहले मैं आपको एक 360 व्यू दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ।
तो जो रेफ्रिजरेटर है वो यहाँ रखा हुआ है। एक दो महीने के लिए मैंने लिविंग रूम में भी रखे देखा था, बट वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ये यहाँ पे रखा रहता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें, जैसा स्पेस है उस हिसाब से चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। इसके बाद जब मैंने फर्नीचर करवाया था तो बच्चों के रूम में भी ये अलमारियाँ बनवाई थी, ये दो अलमारियाँ बनवाई थी कि एक सानू का होगा एक खुशी का होगा, बट ये लोग इसे अलग तरह से ही इस्तेमाल करते हैं, आई टेल यू हाउ। और ये जो बैग आप देख रहे हो, ये सानवी खुशी के दिवाली के कपड़े हैं जो दो एक दिन पहले मैं लाई थी, और इन्होंने ये बैग निकाल कर रखा है जिससे वो दिवाली के लिए आराम से तैयार हो सकें। सभी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं जिस रूम का भी टूर आपको दे रही हूँ वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में भी और डिस्टर्ब ना करने में भी, ज़्यादा करके ये फैला ही रहता है क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा सामान इधर उधर छोड़ ही देते हैं, बट अभी जब मैंने कहा कि मैं डेकोर दिखाना चाहती हूँ तो उन्होंने सारी चीज़ें जगह पर रख दी। ये वाला अलमारी मैंने खुशी के लिए बनवाया था और ये शानू के लिए, बट अभी खुशी वाली अलमारी को वो लोग स्टेशनरी एंड एक्स्ट्रा स्टफ़ के लिए यूज़ करते हैं और शानू वाली अलमारी को कपड़ों के लिए। यहाँ एक शीशा है इसके पीछे, ये एक तरह से उनका ड्रेसर ही है, इसके पीछे उनकी सारी एक्सेसरीज़ हैं शीशे में, क्योंकि बेड पर लेटे हैं तो शरीर दिखता है इसलिए उसके ऊपर पर्दा लगाया हुआ है, और मेरा मंदिर भी इधर ही रखा हुआ है। और इसके बाद आ जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये सबसे अंदर की तरफ का कमरा है घर में और ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है पूरे साल, इसको दोनों तरफ से मतलब दो वॉल से हीट लगती है, बहुत गर्म रहता है ये कमरा। तो मैं पहले आपको एक 360 व्यू दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो इधर से एंट्री होती है रूम के अंदर और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है टीवी, और आई एम प्लानिंग कि अब किसी के भी रूम में पर्सनल टीवी मैं नहीं लगाऊंगी, थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। देन यहाँ पर रिमोट होल्डर रखा हुआ है, ये मल्टीपल चार्जर वगैरह रखा हुआ है, ये बेसिकली शर्मा जी के बेड साइड टेबल की तरफ होता है, बट अभी उधर डेकोर लग गया है दिवाली वाला तो इसलिए ये सब यहाँ आ गया है। और एक और यहाँ पर अरोमा डिफ्यूज़र, ये अलमारी भी बनवाई थी मैंने जब लास्ट टाइम फर्नीचर करवाया था, इसमें बीच में जो मिरर है वो एक तरह से ड्रेसर है और वो पार्टीशन का भी काम करता है। पर्दे की तरफ वाली अलमारी हस्बैंड की और कॉर्नर वाली मेरी, और यहाँ जहाँ पर्दे हैं यहाँ पर भी एक डोर लेंथ की विंडोज़ हैं जिसके पीछे अगेन एक स्टैंडिंग बालकनी है। ये है हमारा बेड, और इस साइड ये जो आप देख रहे हो ना बेड साइड टेबल जो अभी टूट गया है, पता नहीं कैसे, बहुत ही पतला सा इसके पीछे जो है वुड लगाया हुआ था वो गिर गया, मेरी मेड सफाई कर रही थी उस वक्त। तो ये मेरे तरफ का है और ये हस्बैंड की तरफ का है, ये डेकोर की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अभी मैंने यहाँ से हटा दी जो यूजुअली यहाँ रखी रहती। और एक ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर मैंने यहाँ रखा हुआ है, दीवार पर इधर से पपड़ी निकल रही थी तो मैंने ये वॉल स्टिकर जैसा, ये सेल्फ एडहेसिव होता है, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। वो बाथरूम है और जिस तरह अभी पहले जितना दिख रहा था वो मैंने छुपा दिया था, लेकिन अभी और दिखने लगा है। यहाँ कुछ और वॉल फ्रेम्स, पहले यहाँ पर मैंने फैमिली के वॉल फ्रेम्स फ़ोटो फ्रेम्स लगा रखे थे, बट मम्मी ने कहा कि इस दीवार पर नहीं लगाते हैं घर के सदस्यों की फ़ोटो, तो फिर वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये रूम ऐसा दिखता है, ये इस घर का सबसे बड़ा रूम है और सबसे ज़्यादा गर्म भी। चलिए किचन में आ जाते हैं। मैंने फटाफट से थोड़े से चावल उबाल लिए हैं, मैं फटाफट से खीर बना रही हूँ। वैसे तो मैं दूध में ही चावल पकाती हूँ जब खीर बनाती हूँ, बट ये एक शॉर्टकट का ट्रिक है, अगर आपको जल्दी से खीर बनानी है तो जो आपके राइस हैं उन्हें पानी में उबालें, दूध में नहीं, तो फटाफट से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे तब उसमें और दूध डाल करके खीर बना लीजिए। आज के दिन हमारे घर में सूरन बनता है तो मैंने ये यान छील लिया था, ये थोड़ा हाथों में खुजली करता है और गले में भी थोड़ी सी खारिश करता है, तो इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। काटते समय या तो आप ग्लव्स पहन लीजिए या फिर आपके नाइफ़ पर और हाथों पर सरसों का तेल लगा लीजिए। मैंने तेल लगा लिया नाइफ़ पर और हाथों पर तो नाइफ़ मेरे हाथ से फिसलने लगा, तो मैंने एक टिश्यू पेपर से उसे होल्ड कर रखा है। और ये कई तरीके से बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत कॉमन सब्ज़ी नहीं है, बहुत घरों में बहुत फ्रीक्वेंटली ये नहीं बनता, बट अच्छी रेसिपीज इसकी बनती हैं। तो मैं आज के दिन ड्राई वाला सूरन बनाती हूँ क्योंकि दो तीन और भी सब्ज़ियाँ रहती हैं, काट करके मैंने ये रेडी कर लिया और अभी इसको फ्राई करेंगे।
और खीर भी मैंने दूध डालकर उबालने रखी थी। खीर मेरी अच्छी खासी बिल्कुल वही हो गई है जैसी मुझे चाहिए। चावल अच्छी तरह पक चुका है, थिकनेस एकदम सही है। तो लास्ट में इसके अंदर थोड़ा कंडेंस मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा चीनी, क्योंकि कंडेंस मिल्क से ना पूरी स्वीटनेस नहीं आएगी। तो मैं इसमें थोड़ा हिसाब से चीनी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड किया है और अब इसे एकदम करेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाने तक मैं और थोड़ी देर पका लूँगी। खीर ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई है। यहाँ पर जो याम है उसको फ्राई होने में वक्त लगेगा, तो तब तक मैं एक और सब्ज़ी के लिए बेस ग्रेवी बना लेती हूँ। मैं आज खाना नो ऑनियन नो गार्लिक बना रही हूँ, इसलिए मैं किसी भी चीज़ में लहसुन और प्याज नहीं डाल रही हूँ, पर इन सभी रेसिपीज़ में आप आपके टेस्ट के हिसाब से लहसुन प्याज डाल सकते हैं आप इन्हें बनाना चाह रहे हैं अगर तो। यहाँ पर मैं टमाटर की ग्रेवी के लिए ब्लेंडिंग जार में मैंने डाला टमाटर, अदरक और प्याज, टमाटर अदरक और हरी मिर्ची, और इनको पीस लेंगे। यहाँ सूरन अच्छी तरह हो चुका है फ्राई, तो इसे रिमूव कर लेंगे तेल में से और अभी इसे थोड़ा प्रोसेस करेंगे। मीनवाइल थोड़े आलू और मैं रख दूँगी फ्राई होने के लिए। मैं दम आलू बना रही हूँ, छोटे छोटे आलू मुझे नहीं मिले थे तो बड़े बड़े आलू को ही मैंने काट लिया है। याम के अंदर गर्म पानी मिलाइए और थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, बिल्कुल थोड़ा ही नमक मिलाएंगे, और वाइट विनेगर एक ढक्कन मिला करके इसे 15 मिनट साइड में रखें। ऐसा करने से फिर याम गले में लगता है बहुत लोगों को, तो नहीं लगेगा। दम आलू के लिए आलू मेरा अच्छा फ्राई हो चुका है, कच्चे ही आलू मैंने यहाँ पर ऐड किए थे, तो अगर ये 80-90% भी डन हुए हैं तो भी चलेगा। अच्छी तरह से लाल लाल हो जाएंगे तब इनको रिमूव कर लेंगे, और ऐसा करने से ना आलू बहुत बढ़िया बनते हैं दम आलू के। ये भी मैं नो ऑनियन नो गार्लिक ही बना रही हूँ। तो आलू हो गए रेडी, नहीं रखेंगे साइड में, तड़का कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर लिया है मैंने ऑयल, डाला है बे लीफ, सूखी लाल मिर्चें, 2 लौंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा एंड ज़ीरा। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी भुन जाएंगी तब इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड करूंगी, और टमाटर थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगी। एक मसाले का बेस बना लेते हैं। एक कटोरी के अंदर मैंने डाला थोड़ा हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, आमचूर का पाउडर, सौंफ, धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और कुछ एक मेथी दाना। पानी डाल करके इसकी एकदम ही पतली सी आप एक बेस बना लीजिए, एकदम पतला रानी बनाइएगा इस स्लरी को, और टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाएं तब तक टमाटर कुक करें। आप टच करके देखिए स्पैचुला से, सॉफ्ट लगने लगेंगे तब इसमें यह है जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़, ये मैंने कूट लिए थे ये ऐड कर दिए हैं, और थोड़ी देर और भुनेंगे। जिंजर ग्रीन चिलीज़ भी भुन जाएंगे, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, तब ये जो हमने अभी स्लरी बनाई है एकदम रनी ये ऐड कर देंगे। और अभी इसको पकने दीजिए जब तक कि इसमें से तेल छूट जाए। दूसरे पैन में मैंने डाला है ऑयल, ऐड किया है हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक ऐसे ही काट करके मैं ऐड कर दूँगी, एंड इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, और ये सारी चीज़ों को ना भुन जाने देंगे। जब तक ये सभी चीज़ें भुन रही हैं इसके लिए भी एक मसाला का स्लरी बनाना है, वो तैयार कर लेते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर बस, और काफ़ी सारा पानी डाल करके एक पतली सी इसकी स्लरी बना लीजिए, और यहाँ पे ये सभी चीज़ें भुन जाने के बाद ये मसाला ऐड कर दीजिए। भूनिए तब तक जब तक इसमें से तेल छूट जाए, इसके अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाए। यहाँ पर टमाटर वाली ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया तरह से भुन चुकी है, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, घुल गए हैं अच्छी तरह से। अब इसमें मिला दीजिए आलू और मिक्स कर लीजिए, और जैसे आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से इसके अंदर पानी मिला दीजिए। ज़्यादातर घरों में पूरी बनती है तो मैंने पूरी के हिसाब से ही इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, नमक वगैरह चेक कर लीजिए। बट ये दम आलू रोटी के साथ, पराठा के साथ एंड इनफैक्ट राइस के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, तो इसके अंदर आधा कटोरी अच्छे से फेटा हुआ दही मैं ऐड करूँगी। ये सूरन की तैयारी हो रही है, तो दही, नींबू, विनेगर, आमचूर, कोई ना कोई खटास आप मिलाकर सूरन पकाइएगा तो सूरन कभी भी आपके गले में नहीं काटेगा, इनफैक्ट ये बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है यहाँ नमक, सूरन को पानी में से एकदम हटा लिया था मैंने और उसे वॉश नहीं किया है, छन्नी में स्ट्रेन करके डायरेक्टली पैन में ऐड किया है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। ये सब्ज़ी यूँ तो तैयार है बट अभी हम इसे भूनेंगे 8-10 मिनट स्लो फ्लेम पे, इसे अच्छी तरह भूनने दीजिए। यहाँ पर मेरा खीर रेडी हो गया था तो मैंने ये उतार लिया था, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल ही बढ़िया है, और राइस मैंने इसमें गोविंदभोग राइस यूज़ किया है, कटे हुए नट्स वगैरह ऐड कर देंगे और खीर हो गई है रेडी फॉर भोग।
ये याम देख लेते हैं, ये बहुत ही बढ़िया भुन चुका है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो चुका है एक साइड से। जितना अच्छा आप इसे भूनेंगे उतना ही बढ़िया ये टेस्ट देता है। और याम की सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, ये ड्राई वर्जन है, इसे याम फ्राई भी कहते हैं। इसका रस्से वाला वर्जन भी बनता है जो बहुत बढ़िया लगता है, वो रेसिपी भी आपके साथ मैं कभी शेयर करूँगी। तो याम फ्राई भी मेरा रेडी हो गया है। यहाँ आलूओं के ऊपर कोरमा फ्लोट कर रहा है, आलू भी पक चुके हैं, तो मेरी दम आलू भी रेडी हो गई है। तीन चीज़ें तैयार हो चुके हैं, बस फाइनल एक और सब्ज़ी मैं बनाना चाह रही थी, फटाफट वाला मटर पनीर है ये। इसकी तो रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जब आपको कुछ ना समझ आए, टाइम ना मिले, फटाफट से कुछ करना है तो ये कुकर वाला मटर पनीर बना लीजिए। मैं इसे नो ऑन एंड नो गार्लिक बना रही हूँ, बट आप इसमें ऑन एंड गार्लिक डालिएगा, ये और भी टेस्टी लगता है। तो बस कुकर के अंदर मैंने ऑयल डाल के ज़ीरा तड़का लिया था, कुछ खड़े मसाले भी आप डाल सकते हो, जो हमने टमाटर का बेस बनाया था वो भून लीजिए, एंड रूटीन के जो हमारे पाउडर मसाले रहते हैं विद सम गरम मसाला या किचन किंग मसाला आप डाल सकते हो, और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। फिर डाल दीजिए मटर और पनीर, और इसके बाद इसमें आपके हिसाब से पानी नमक डाल लीजिए। मटर है ना बिल्कुल भी मीठी नहीं है, फ्रोज़न वाली मटर है ना, इसलिए कुछ एक दाने मैंने चीनी के डाले थे। ग्रेवी मीठी नहीं करनी है हमको, सिर्फ टमाटर का टार्ट बैलेंस करना है एंड मटर को स्लाइट स्वीटनेस मिल जाएगी। इतना ही चीनी डालें कुछ एक दाने, और इसको बस दो सीटी लगा लीजिए, आपका कुकर वाला झटपट वाला 10 मिनट से भी कम समय में आप ये सब्ज़ी बना करके रेडी कर सकते हो, और ये बहुत टेस्टी भी लगती है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और सारी ही चीज़ें बन चुकी हैं, बस मैंने पूरी के लिए आटा लगा के रख दिया है, तो जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं फटाफट से गरम गरम पूरियां उतार लूँगी, और हम लोग बस अभी तैयार हो रहे हैं। मुझे है ना, तैयार होने से पहले खाना बन जाए तो थोड़ा सुकून रहता है, कभी कभी मैनेजमेंट ऐसा होता है, सपोर्ट ऐसा होता है, कोऑपरेशन एंड एवरीथिंग कि हो जाता है ये। अदरवाइज़ कभी कभी फिर बाद में जब खाना बनाना पड़ता है ना तो और भी ज़्यादा थकान का काम लगता है। तो मैं मेरी प्यारी प्यारी प्रिंसेसेस को उनकी बैंगल्स पहना रही हूँ, और उसके बाद जब हम सभी तैयार हो चुके हैं तो बस अभी मैं करूँगी हमारी लक्ष्मी पूजन, दिवाली का पूजा। डे टाइम में घर कैसा दिख रहा था वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और रात को कितना सुंदर लग रहा है जब सारे ही दिए जल चुके हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। रंगोलियाँ बनाई हैं सानवी ने, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, और ये देखिए ये लाइट लग के कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अंदर ये देखिए दिया एंड फ्लावर्स, ये सभी कुछ मैंने किया एकदम ही अभी लास्ट मोमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम जो फेस्टिव वाइब्स रहते हैं ना वो वैसे भी एकदम ही अलग ही रहते हैं, मन इतना खुश हल्का हल्का फील होता है। एंड लुक एट द बालकनी, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो ये सारे लगाए हैं खुशी ने।
कैंडल मैंने घर में बहुत सारी जगहों पे लगाई थी जब मैं डेकोर कर रही थी, लेकिन लिट सिर्फ वो की हैं जो सेफ हैं, कुछ कुछ काफ़ी नज़दीक रखी हुई थी तो वो लिट नहीं करी हैं। और इस बालकनी में कैंडल्स लगाई हैं मैंने जब खुशी लगा रही थी बाहर वाली बालकनी में कैंडल्स, तो कितना सुंदर लग रहा है बालकनी भी। खुशी का पिंकी पिंकी ड्रेस। खुशी चल के आओ। ये सानू दिखाना जरा ड्रेस तुम्हारा। अच्छा सेम है ना तुम्हारा खुशी का? बस कलर डिफरेंट है ना। वाह लुकिंग ब्यूटीफुल ब्रो। शो मी योर ड्रेस। बाल खोलो। नहीं घर में लग रही, फैन भी बंद है। ब्यूटीफुल। ओए ध्यान से मेरा डेकोरेशन दिखा दो। हाँ ब्यूटीफुल। खुशी चल। ए खुशी चल चल चल। अबे फूलझड़ी में थोड़ी ना वो होती है, फूलझड़ी में आवाज नहीं आएगी, पक्का प्रॉमिस। हाँ हाँ खुशी डर रही है। यो ब्रो हाउ आर यू? मजा आ रहा है क्या? दो हैं? हैं? दो पकड़े हैं। और फिर मम्मी पापा भी आ गए थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने मिलकर थोड़े बहुत पटाखे छुड़ाए और उसके बाद टाइम है खाना खाने का। तो सारी चीज़ें मैंने एक बार वापस से गर्म कर ली हैं, काफ़ी वक्त हो गया था, मैंने तो ये शाम में ही सब कुछ बना के रख लिया था। तो सारी चीज़ें मैं वापस से गर्म करूँगी, तुरंत ही पूरियाँ छानूँगी और सब लोगों को गर्मा गर्म पूरियाँ खिलाऊँगी। और ऐसा था हमारा दिवाली। आपकी दिवाली कैसी रही आप मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हो। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड इट सपोर्ट्स मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर। बाय बाय।